तो नया मतदाता सेवा पोर्टल में आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम ऑनलाइन आवेदन करें। गाइस, आपने आईडी पासवर्ड नहीं बनाया तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए किस प्रकार से इसमें आईडी पासवर्ड बनाते हैं। तो चलिए हम बिना समय गवाए फटाफट कुछ नया करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वाले साइट पर आ जाना है, साइट में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है लॉग इन, फिर आपको आपका आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पर कैप्चा फिलअप करके इसको लॉग इन करना होगा। तो हम हमारे नए मतदाता सेवा पोर्टल के डैशबोर्ड में आ चुके हैं। आपको यहाँ पर जाना होगा फॉर्म, उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर नया एनरोलमेंट करना है। तो उसके लिए आपको फॉर्म 6 में जाना होगा। आपको बहुत सारे ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे, तो हम यहाँ पर फॉर्म 6 में क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको सबको बारी बारी से आप देख सकते हो यहाँ पर साइड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेप पूरा दिया हुआ है, कितने स्टेप में आपको इसको पूरा करना है। तो थोड़ा थोड़ा सा केवल 10 सेकंड का टाइम है और तुरंत हो जाता है। तो चलिए हम फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा, जिस भी स्टेट में आप निवास करते हैं यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका यहाँ पर किस असेंबली में आते हैं यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है नेक्स्ट, यहाँ पर कस्टमर का फर्स्ट नाम, नाम लिखने के बाद आपके कीबोर्ड में टप बटन को प्रेस करते हैं नीचे ऑटोमेटिक से हिंदी ले लेगा। यहाँ उसका सरनेम, उसका फोटो, फोटो का साइज यहाँ से आप देख लेंगे 4.4 सेंटीमीटर गुड़ी 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जो कि 2 MB से नीचे होना चाहिए। फोटो सेलेक्ट करते हैं, इसमें एडजस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आप एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे आकर के यहाँ पर आपको उसको सेव करना है। तो गाइस, हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन के घंटे को ऑल में प्रेस कर लीजिएगा। यदि आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको दिल से सैल्यूट। फोटो यहाँ पर सेव हो चुका है, उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। यहाँ पर उसके रिलेटिव का नाम लिखना है, फादर, मदर, हस्बैंड, जो भी हो उसके रिलेटिव का नाम, उसका सरनेम। यदि हिंदी टूल में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ से टिक लगाएंगे, उसके बाद इसको साइड में रख के यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो भी लिखना चाहिए इस प्रकार से लिख सकते हैं अपने हिसाब से, और उसके बाद यहाँ पर हिंदी काट सकते हैं। उसके बाद इसको क्लोज कर लेंगे, फिर करेंगे नेक्स्ट। मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य है, यहाँ सेल फोन क्लिक करते हैं, यहाँ कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, सेंड ओटीपी में क्लिक करके ओटीपी डाल के वेरीफाई करना है, यदि ईमेल आईडी है तो डाल देना है, नहीं है तो यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। आधार नंबर आपको डालना अनिवार्य है, तभी आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। यहाँ डालेंगे आधार नंबर, उसके बाद करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट। मेल है या फीमेल है यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आपको करना है नेक्स्ट। यहाँ पर कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ से कैलेंडर निकाल के उसका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं, यहाँ से टिक लगाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर आधार सजेस्ट करूँगा आपको, यहाँ पर आधार को स्कैन करके आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करना है, यहाँ पूरा एड्रेस जैसे कि मकान नंबर, वार्ड नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, तहसील, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, डॉक्यूमेंट प्रूफ में क्या देना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ अदर देना चाहते हैं तो यहाँ से अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, यदि नहीं हो तो यहाँ से डॉक्यूमेंट का लिस्ट में जाएंगे और डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट को यहाँ से चॉइस फाइल में जाकर ले आएंगे, फिर करेंगे नेक्स्ट। नवा सेटअप पहुँच चुके हैं, यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांगता का देना है, यदि दिव्यांगता है तो इसको करेंगे, यदि दिव्यांग नहीं है कस्टमर तो आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से फैमिली मेंबर का नाम, उसका रिलेशन और उसका ईपिक नंबर देना अनिवार्य है। तो परिवार के किसी भी सदस्य का यहाँ पर आपको ईपिक नंबर डालना होगा, तभी वह वेरीफाई जल्दी होता है। यहाँ पर विलेज का नाम, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आज का डेट ऑटोमेटिक से ले लेगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर प्लेस लिख करके यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अब सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर कैप्चा फिलअप करना है, उसके बाद आप प्रीव्यू एंड सबमिट में क्लिक करना है। आप चाहे तो सेव कर भी रख सकते हैं ड्रॉप में। इस प्रकार से पूरा प्रीव्यू आपको दिखा देगा, आप एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पर नीचे आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं, यदि सब सही हो तो यहाँ पर सबमिट में क्लिक करेंगे, फिर करेंगे यस। तो नए पोर्टल पे हमारा नए परिचय पत्र का आवेदन यहाँ सफलतापूर्वक हो चुका है। तो यहाँ से आप रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे और कस्टमर को प्रिंट करके दे देंगे। तो गाइस, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार से और बेहतरीन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, सी यू सून।